गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लोगों को ये पढ़ना है, जानना है। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह क्वेश्चन है, तरह से इसको समिति किस बनाना है, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। हम लोग पढ़े थे आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई को दर्शाते हैं। हम लोग क्या दर्शाते हैं, 30 डिग्री एंगल को होता है। जो लंबाई चौड़ाई होगा, लंबाई चौड़ाई जो भी होगा वो 30 डिग्री एंगल को होगा, और मेरा ऊंचाई जो होगा उसका 90 डिग्री एंगल होगा। ऊंचाई ऊंचाई यहाँ पे ऊंचाई हाइट जो है वो 90 डिग्री एंगल होगा। ये पूरा 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर जो है हाइट है 90 डिग्री पर एंगल पर। तो हम लोग इस चित्र को कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग कैसे चित्र को समिति आइसोमेट्रिक व्यू को इस जैसा चित्र है वैसा ही सेम चित्र कैसे हम लोग बनाएंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग आप लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर्स आएगा सर इस तरह का फिगर, जस्ट जो दृश्य है जो मेरा व्यू है उसे सेम ठीक यहाँ पर बनाए। इसी तरह कैसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसका पहला स्टेप क्या है, जो पहले सबसे पहले क्या किया, डिफरेंस लाइन खींचे, डिफरेंस लाइन खींचे। उसके बाद हम लोग सेट स्क्वायर्स आएगा सर
थर्टी डिग्री होगा, इसको पॉइंट को मिला दीजिए, मैं कंप्लीट एरिया हो गया यहाँ पर, इसको हो गया स्टेप थर्ड हो गया। अब स्टेप फोर में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फोर में कुछ नहीं करेंगे, यहां से जो लाइन था इस पॉइंट से क्या किए थर्टी डिग्री एंगल पर, तो थर्टी डिग्री एंगल से इस पॉइंट से थर्टी डिग्री एंगल क्या किए लाइन ले रहे लेंगे, ठीक है, फिर इस पॉइंट से थर्टी डिग्री एंगल यहां पर ले गए, यहां पर ले गए, जो मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया, जो मैं जो क्वेश्चन था सेम आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग को यहां पर बन गया। हेलो, इसी तरह से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने का तरीका होता है, जो लंबाई चौड़ाई को दर्शाते हैं वो हमेशा थर्टी डिग्री एंगल पर, जो ऊंचाई को दर्शाएंगे क्या करेंगे हम लोग नाइनटी डिग्री एंगल पर हम लोग बनाएंगे, तो हमेशा मेरा डायग्राम या जो भी व्यू है वो कंप्लीट अच्छा बनेगा, इस तरह से हम लोग बनाइएगा।